हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी पीडिया माई नेम इज़ पार्का मिर्जा एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं लेकर आई हूँ डिस्कशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे बस यही कहना है आप लोगों को कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आर प्रिपरेशन फॉर आर ग्रेड बी फेज़ वन एंड टमोरो इज़ दी जजमेंट डे दैट इज़ आर एग्ज़ामिनेशन जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे इतने दिन से हमने प्रिपरेशन करी हमने फुल प्रिपरेशन करी हमने स्ट्रैटीज़ बनाए कि इतना वास्ट पोर्शन है फेज़ वन का हम कैसे कंप्लीट करें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी जनरल अवेयरनेस पोर्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी रीजनिंग दी क्वांट दी इंग्लिश पोर्शन चलो हमने सब कवर कर लिया आप लोगों ने कड़ी मेहनत करी है फुल स्ट्रैटजीज बनाई है प्लानिंग करी है हमने आपने हमारा मैराथन सेशंस जो है वो अटेंड किया है तो फॉर श्योर स्टूडेंट्स ज़रूर आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक होगा डरना नहीं है बिल्कुल भी रिलैक्स फील करना है ठीक है द मोर यू विल गेट पैनिक द मोर यू विल हार्म योर सेल्फ सो चिल करना है रिलैक्स करना है ठीक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ठीक है जितने बजे से भी आपका एग्जामिनेशन है उससे ठीक थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स पहले आपको पहुंचना है थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स बिफोर आपने पहुंचना है आपके एग्जामिनेशन से एंड आपको सारी प्रिकॉशंस लेनी है सारे स्टफ्स आपके कैरी करने हैं आपका एडमिट कार्ड आपने भूलना नहीं है तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कैरी करना है ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टमोरो इज़ द जजमेंट डे ठीक है इतना हमने प्लानिंग करी हमने स्ट्रैटीज़ बनाई स्टूडेंट्स तो कल का दिन है जो हमारा स्किल जो हमारे हमने जो प्लानिंग करी है जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई जो हमने प्रिपरेशन करी है फॉर आर बी आई ग्रेड बी फेज वन कल का दिन है आपके स्किल को शो करने का ठीक है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फुल एफर्ट्स लगाएं पॉजिटिव एफर्ट्स लगाएं टू क्रैक द एग्जामिनेशन गाइस एंड थ्री इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहूंगी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये कहना रहता है कि क्वेश्चन पेपर देखते ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हमें क्या करना है पहले हम एंड सेकेंड में हमें क्या करना है एंड क्वेश्चन आते हुए भी वो राइट right क्वेश्चन को रॉन्ग कर जाते हैं है ना तो मेक शोर कीजिएगा कि पहले रीडिंग में जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो ना तो पहले टाइम में आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो हंड्रेड परसेंट श्योर हो आप लेके जिस क्वेश्चन को लेके आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मेरा करेक्ट ही होगा तो पहले उसको अटेम्प्ट करना है ठीक है देन कम्स सेकेंड रीडिंग जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है इसमें पता नहीं फिफ्टी फिफ्टी है पता नहीं करेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है सेकेंड रीडिंग में आपको वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट्स ठीक है एंड आपको लग रहा है अगर कि हाँ आपका मैक्सिमम अटैम्प्ट हो चुका है तो फिर ठीक है एंड अगर अगर आपका मैक्सिमम अटैम्प्ट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स तो थर्ड टाइम में आपने क्या करना है मैक्सिमम अटैम्प्ट फुलफिल करने के लिए थर्ड टाइम में क्वेश्चंस को पढ़ना है उसके बाद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की ठीक है आप ये मत सोच लीजिएगा अगर क्वेश्चन जितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे अगर रॉन्ग हो गया तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी तो वहां आपकी मार्क्स जो है वो कट हो सकती है स्टूडेंट्स तो मेक श्योर कीजिएगा जहां आपकी श्योरिटी हंड्रेड परसेंट कि हां ये क्वेश्चन करेक्ट है पहले उसी चीज़ को अटेम्प्ट करना है ठीक है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज डू वेल एंड कम इन योर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन हम हम फुल पेपर का एनालिसिस करेंगे आप लोगों के साथ एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना फुल एफर्ट्स लगाएं फुल पॉजिटिव एफर्ट्स लगाएं टू क्रैक द एग्जामिनेशन प्रेशराइज फील नहीं करना है रिलैक्स होना है रात को अच्छे से खा पी के सोना है ताकि सुबह फ्रेश माइंड होकर हम एग्जामिनेशन देने जाए ओके एंड वंस अगेन स्टूडेंट्स वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन ठीक है पॉजिटिव एफर्ट्स लगाइएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि हम एग्जामिनेशन को क्रैक करें सो so, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में दैट इज़ टमोरो फॉर पेपर एनालिसिस ऑफ आर ग्रेड बी फेज वन तब तक के लिए थैंक यू एवरी